जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे जो स्ट्रेट लाइन हम लोग देख रहे थे यानी सरल रेखा, उसमें आप लोग को हम बता दिए थे त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का नियामक, जो आप लोग के स्मार्ट बोर्ड पर बताए थे गुरुत्व केंद्र का नियामक तक आप लोगों से चर्चा कर लिए थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको बताते हैं कि यदि दो बिंदु दिया गया हो तो स्लोप कैसे निकालेंगे, ढाल कैसे निकालेंगे और कोण का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लिया जाए कि दो बिंदु आपका दिया गया है, जैसे बिंदु दिया 2, 3 और एक बिंदु आपका दे दिया 3, 5 या फिर 1, 2। ठीक है, और आपसे कहे कि ये दो बिंदु जो दिया गया है दोनों बिंदुओं से जो है आपको निकालना है रेखा की ढाल। क्या निकालना है? रेखा की ढाल। रेखा की ढाल समझ में आ रहा है? आपको कह दे कि दो बिंदु दिया गया है तो इन दोनों बिंदुओं से आपको रेखा की ढाल निकालना है, तो क्या करना है ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा टैन थीटा, ढाल को टैन थीटा कहते हैं या फिर एम कहते हैं। ठीक है, ढाल को टैन थीटा कहिए, एम कहिए, या फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तो dy बटे dx भी कह सकते हैं, dy बटे dx भी कह सकते हैं। ठीक है, ढाल को टैन थीटा कहिए, एम कहिए या फिर dy बटे dx कहिए, एक ही चीज है। तो इसका फॉर्मूला होता है ध्यान दीजिएगा y2 - y1 / x2 - x1। क्लियर है? y2 - y1 / x2 - x1। अब आपको ध्यान देना है, ये पहला वाला x1 y1 होता है और ये दूसरा वाला आपको x2 y2 होता है। मान लिया जाए कि a यहाँ है, b यहाँ है, आपको कहे कि AB रेखा की ढाल निकालना है, AB रेखा की ढाल। तो जो पहले आएगा वो x1 y1 और जो बाद में आएगा वो x2 y2। जो पहले आया x1 y1 और जो बाद में आएगा वो x2 y2। तो आपको क्या करना है? मान रखना है। यहाँ देखिए y2 की जगह पर 2 है और यहाँ y1 की जगह पर कितना है? 3 है। तो आपका हो जाएगा 2 - 3 tan थीटा बराबर और बटा में x2 - x1, यानी x2 की जगह पर 1 है और x1 की जगह पर कितना है? 2 है। तो 1 - 2 यानी tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा कितना? घट के हो गया -1 और यहां घट के हो गया आपका -1। -1 से -1 कट गया, 1 से 1 भी कट गया, यानी tan थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1। यदि यहां से tan थीटा का मान यानी केवल स्लोप का मान आपसे पूछ रहा है तो ये 1 के बराबर होगा, लेकिन यदि आपको कहे कि कोण का मान कितना है, ठीक है, सवाल इसी में पूछता है कोण का मान कितना है यानी कोण का मान ज्ञात करें, तो उस समय आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा। थीटा का मान चाहिए ना, ये आपका मेन कोण में है, उधर इनवर्स में चला जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका टैन इनवर्स 1। अब जब इनवर्स में आ गया तो आपको मालूम है कि टैन में 1 कितना का मान, तो यहां लिखेंगे थीटा बराबर π/4, क्योंकि टैन में 1 जो होता है 45 डिग्री का मान होता है यानी π/4 का मान होता है। तो इससे आपको आसानी से एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि जब दो बिंदु आपको दिया हुआ रहेगा तो कोई दो बिंदु से रेखा की ढाल कैसे निकालना है या फिर उसका कोण कैसे निकालना है। आसानी से निकाल लीजिएगा सभी लोग, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अब हम आपको सवाल दिखाते हैं। देखिए अगला सवाल जो आपका दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, यह सवाल आपको पूछा गया है। कहता है एक्स अक्ष तथा 3-1 और 4-2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, यानी इसके बीच का कोण ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। यदि आपको इसके इसकी ढाल ज्ञात करने के लिए भी कहा जाएगा तो भी आप यही क्रिया करेंगे जो अभी हम कर रहे हैं। लास्ट वाला 1-2 लाइन क्रिया आपको नहीं करना है। आइए ध्यान से देखते हैं। पहले बिंदु आपका दिया गया है 3-1 और दूसरा क्या है आपका 4-2। ठीक है, ये दो बिंदु आपका दिया गया है। अब कहता है कि इसका जो है आपको इसके बीच का कोण निकालना है। करना क्या है? सबसे पहले tan थीटा ध्यान दीजिएगा, दूसरा वाला को दूसरा वाला में से घटाना है, पहला वाला को पहला वाला में से घटाना है, दूसरा वाला को दूसरा वाला में से घटा के ऊपर, पहला वाला को पहला वाला में से घटा के नीचे। देख लीजिए तो हो जाएगा -2 - -1 बटा में आ जाइए 4 - कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका tan थीटा बराबर
माइनस माइनस प्लस यानी माइनस दो प्लस एक, माइनस दो प्लस एक यानी कितना हो जाएगा माइनस एक, चार में से तीन घट गया तो एक, यानी हो जाएगा टेन थीटा बराबर माइनस एक। अब बताइए कि टेन में माइनस एक कितना का मान होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। टेन में माइनस यानी आप यहां लिख सकते हैं माइनस टेन, सॉरी टेन माइनस एक है ना, तो आप यहां लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस टेन पाई बाई फोर, क्लियर है, माइनस को बाहर कर लीजिए, टेन पाई बाई फोर। अब एक बात आप समझ लीजिए कि प्रथम चतुर्थांश में ऑल प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस होता है। प्रथम चतुर्थांश में तो ऑल आपका प्लस में होता है, लेकिन जब द्वितीय चतुर्थांश में चलते हैं तो वहां साइन और कोसेक आपका प्लस में होता है। इसका मतलब है कि जब यह माइनस में है तो द्वितीय चतुर्थांश की बात कर रहा है, आपको चतुर्थ में नहीं जाना है, चतुर्थ में भी यह माइनस में होगा, क्लियर है, तृतीय में प्लस में होगा, लेकिन आपको जहां पहले माइनस मिलेगा वहीं रुक जाना है। तो द्वितीय चतुर्थांश में आपका माइनस में होता है। द्वितीय चतुर्थांश के लिए बड़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, पाई में से घटा लीजिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर चतुर्थांश वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन पाई माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका टेन थीटा बराबर हो जाएगा टेन, फोर पाई में से पाई घट जाएगा तो हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर। अब यहां देखिए थीटा का मान जो आपका निकल कर आ गया थ्री पाई बाई फोर के बराबर। एक चीज आप समझ लीजिए, यहां यदि आपको ढाल पूछता तो ढाल आपका यहां निकल चुका था, ढाल का मान यही आपका निकल गया है। ठीक है, ढाल कहता तो यहीं पर इसका आंसर छोड़ देना है, लेकिन यदि कौन कहेगा तो आपको यहां तक बढ़ा के लाना है। यदि मान रेडियन में पूछ रहा है, पाई में पूछ रहा है यदि थीटा का मान, तो आपको छोड़ देना है। यदि मान पाई में नहीं पूछ रहा है तो आपको यहां से क्या कर लेना है, इसको चेंज कर लेना है यानी बदल देना है। कैसे बदलेंगे, तो 180 बट्टा में पाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कट गया आपका कितना 45 बार, और 45 को 3 से गुना करेंगे, 5 तीय 15 के 5 हासिल 1 4 तीय 12 1 13 यानी 135 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 135 डिग्री का कोण बन रहा है, जो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए अगला सवाल आपका क्या कहता है कि रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, जो रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और पी का नियामक दिया गया है। यहां पर देखिएगा, समझिए थोड़ा सा, 0, -4 और दूसरा क्या दिया गया है आपका, क्यू का नियामक है 8, 0 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से होकर जाती है। फिर से एक बार समझिए, सवाल आपको यहां दिख रहा होगा, सवाल को एक बार देखिएगा, यह सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से, माने एक बिंदु है, कहां एक बिंदु मूल बिंदु है, यानी मूल बिंदु से रेखा होकर जाता है। और उसके बाद कहता है कि P का नियामक 0, -4 और Q का नियामक 8, 0 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा है, यहां पर P है, यहां Q है, यहां से एक रेखा ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये आपका अक्ष है, तो जिसका ढाल निकालने के लिए आपसे कहा जा रहा है, वो कहता है कि मूल बिंदु से होकर जाता है लेकिन इसके मध्य बिंदु तक जाता है, ये रेखा के मध्य बिंदु और यहां मूल बिंदु, मूल बिंदु का नियामक तो होता है 0, 0 और इस रेखा के मध्य बिंदु। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसका मध्य बिंदु निकाल लेना है, बीच वाला ना, और मध्य बिंदु निकालने का तो कॉन्सेप्ट आसान है, जोड़ कर 2 से भाग कर देंगे। तो जैसे ही जोड़ कर 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 0 + 8/2 जोड़ कर 2 से भाग कर दीजिए 0 और प्लस माइनस माइनस 4/2 तो हो जाएगा 8/2 यानी 8/2 बोले तो कितना 4 ना, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो गया 4 - 2 तो बिंदु जो आपका निकल के आ गया कितना गया 4, -2 तो एक बिंदु आपका यहां है एक बिंदु यहां है। अब कहता है कि इसका जो है आपको क्या निकालना है, ढाल निकालना है। ढाल निकालने के लिए कह रहा है, हाँ कहता है इसकी ढाल क्या है, सिंपल है, ढाल निकालना है तो टेन थीटा या फिर एम भी लिख सकते हैं, ढाल निकालना है तो एम में लिखिए, जब कोण निकालना होगा तो टेन थीटा लिखिएगा, एम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहला दूसरा वाला को दूसरा वाला में से घटाकर ऊपर और पहला वाला को पहला वाला में से घटाकर नीचे, तो 0 में से देखिएगा यहां 0 में से माइनस 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 - फिर -2 और बट्टा में आपका कितना हो जाएगा 0
माइनस चार, यानी हो जाएगा m बराबर ये माइनस माइनस प्लस दू और बट्टा में हो जाएगा माइनस चार, कट के हो गया आपका दो, यानी m बराबर हो जाएगा माइनस वन बाई टू, यानी ढाल का मान यदि कहा जाए तो माइनस एक बट्टा दो के बराबर हो जाएगा, जो आपके सामने आ गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, सवाल कितना भी खतरनाक हो आंसर उसको आप बहुत जल्द ही बना सकते हैं यदि आपने कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को सीखा है। यदि कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा तो सवाल आसानी से बन जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं सीखिएगा तो सवाल बनाने में काफी आपको परेशानी होगी। ठीक है, अब हम आगे आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, इस पर जो भी सवाल होगा आप उसको आसानी से बना सकते हैं। आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कि त्रिभुज के तीनों बिंदु का नियामक आपको दे दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई त्रिभुज आपका ऐसा है, इस तरीके का त्रिभुज है ए बी सी, इसका नियामक आपका एक्स वन वाई वन है, ये आपका एक्स टू वाई टू है, ये आपका एक्स थ्री वाई थ्री है। ठीक है, और इस तरीके से त्रिभुज के तीनों बिंदु का नियामक आपको दे देगा और कहेगा कि बताइए कि ये कौन सा त्रिभुज है। समझ में आ रहा है, आपसे पूछेगा बताइए कि ये कौन सा त्रिभुज है। आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम आपको निकालना है ए बी, क्या निकालना है ए बी, दूरी सूत्र से ए बी निकालना है, जो आपको बता दिए, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी ए निकालना है। यदि मान लीजिए कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए हो जाए, ठीक है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए हो जाए, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यदि तीनों के तीनों दूरी जो है बराबर हो जाए या तीनों के तीनों भुजा का मान बराबर हो जाए तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं ना कि ये कौन सा त्रिभुज होगा। जब जिसके तीनों के तीनों भुजा आपस में बराबर हो वह आपका कहलाता है समबाहु, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा यहां ध्यान दीजिएगा, कोई दो को बराबर हो जाए, जैसे मान लीजिए कि ए बी बराबर बी सी हो जाए या बी सी बराबर सी ए हो जाए या सी ए बराबर ए बी हो जाए, कोई भी दो भुजा बराबर हो जाए, ठीक है, कोई भी दो भुजा बराबर हो जाए तो आपको मालूम है कि जब दो भुजा बराबर होता है तो उसको कहते हैं सम द्वि बाहु, तो ये आपका होगा सम द्वि बाहु। ठीक है, ये क्या होगा आपका सम द्वि बाहु। अब आइए तीसरा यानी तीनों में से कोई बराबर नहीं हो, ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है सी ए के, यानी तीनों में से कोई भी भुजा बराबर नहीं हो तो यह आपका होगा विषम बाहु, यह आपका क्या होगा विषम बाहु। लेकिन आपको एक चीज और चेक कर लेना है, विषम बाहु लिखने से पहले आपको एक चीज और चेक कर लेना है, क्या, कि जो तीनों में से बड़का मान है, जो तीनों भुजा में से सबसे बड़ा मान है उसका वर्ग करना है, यानी बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा जो होगा सबसे बड़का मान उसका वर्ग करना है, शेष दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर यदि हो जाए, ठीक है, शेष दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योगफल, समझ में आ रहा है, शेष दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के यदि बराबर हो जाए तो आप इसे विषमबाहु न कह के समबाहु त्रिभुज कहेंगे। कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, यदि तीनों में से कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो वह विषमबाहु हो सकता है, लेकिन आपको उससे पहले एक बार चेक करना है कि ऑप्शन में यदि विषमबाहु है तो आपको लगाना है, यदि नहीं है तो आपको क्या करना है कि सबसे बड़का मान जो होगा उसका वर्ग कर लीजिएगा, ठीक है, और अलग रख दीजिएगा। अब जो दो को बच गया दोनों को वर्ग करके जोड़ के देखिएगा कि बड़का वाला के वर्ग के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यदि हो गया तो वह आपका क्या होगा, वह आपका समकोण त्रिभुज होगा। वह आपका कौन सा त्रिभुज होगा, वह आपका समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर है, वह आपका समकोण त्रिभुज होगा। एक चीज और देख लीजिए कि यदि वह समकोण भी है और उसका दो गो भुजा कोई बराबर भी है तो उसको आप कहिएगा समकोण समद्वि बाहु, समकोण समद्वि बाहु, समकोण समद्वि बाहु। क्लियर है,
यदि मान लीजिए कि सबसे बड़का भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटकी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर भी हो जाए और उसका दूगो कोई भुजा बराबर हो तो ऐसे कंडीशन में उसको कहेंगे समकोण समद्विबाहु। क्या कहेंगे? समकोण समद्विबाहु। चलिए, तो त्रिभुज में आपको इतना ही पूछता है, कोण के बारे में नहीं पूछता है कि न्यून कोण है कि नहीं, अधिक कोण है कि नहीं, समकोण है कि नहीं। समकोण के बारे में पूछता है लेकिन न्यून कोण अधिक कोण आपसे नहीं पूछता है, क्योंकि वहां पर कोण की प्रधानता है। यहां पर जो भी भुजा की बात होगा उसी का काम चलेगा। अब आइए चतुर्भुज में, आप लोग को भागना नहीं है। अब आइए चतुर्भुज में आपको लेके चलते हैं। देखिए, यदि चतुर्भुज की बात की जाए और चतुर्भुज में चारों शीर्ष का नियामक आपको दे दिया जाए, समझ में आ रहा है, चारों शीर्ष का नियामक आपको दे दिया गया हो और आपको कहे कि बताइए कि कौन सा चतुर्भुज है, समझ में आ रहा है, पूछेगा आपसे सवाल कि बताइए कि कौन सा चतुर्भुज है, तो उस समय आपको क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, दूरी सूत्र का प्रयोग करके ध्यान दीजिएगा क्या करना है। सबसे पहले आपको निकालना है ए बी, बी सी, सी ए, ए बी, बी सी, सी डी और फिर डी ए। ठीक है, यदि मान लिया जाए कि चारों के चारों बराबर हो गया, ठीक है, यदि मान लिया जाए कि ये चारों के चारों भुजा बराबर हो गया तो आपको विकर्ण निकालना है। तब क्या निकालना है, उसका विकर्ण निकालना है। बिना विकर्ण निकाले आपको जो है इस पर जो है ये नहीं लेना है एक्शन कि ये कौन सा चतुर्भुज है, आपको सबसे पहले इसका विकर्ण निकालना है। यदि मान लीजिए कि इसका दोनों विकर्ण भी बराबर हो गया, यानी AC बराबर हो गया BD, समझ में आ रहा है, AC बराबर हो गया BD, तो आपको यह समझना है कि ये जो चतुर्भुज है ये आपका वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है। एक बार और समझ लीजिए, चारों के चारों भुजा बराबर होगा और दोनों विकर्ण भी बराबर होगा तो आपको समझना है कि ये वर्ग है। क्या है? वर्ग है। अब समझिए, यदि मान लीजिए कि चारों के चारों भुजा बराबर हो गया, चारों के चारों भुजा बराबर हो गया लेकिन इसका विकर्ण बराबर नहीं हुआ, लेकिन इसका विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो आपको यह समझना है कि यह समचतुर्भुज है। यह क्या है? समचतुर्भुज है। उस समय आपको यह समझना है कि यह क्या है? समचतुर्भुज है। कब? जब चारों के चारों भुजा बराबर हो गया और दोनों विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो इस समय यह समझना है कि यह समचतुर्भुज है। तीसरा, मान लीजिए कि आमने सामने का भुजा बराबर हुआ, यहां लिख देते हैं, आमने सामने समझ में आ रहा है आपको, आमने सामने समझ में आ रहा है, जैसे ए बी के सामने सी डी है और ए डी के सामने बी सी है, तो यह हो जाएगा आपका ए बी बराबर, देखिएगा, ए बी बराबर सी डी तथा ए डी बराबर बी सी। आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए और उसका विकर्ण भी बराबर हो, और उसका विकर्ण भी बराबर हो, यानी ए सी बराबर बी डी, आमने सामने की भुजा भी बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो तो उस समय ये आपका क्या होता है? आयत होता है। क्या होता है? आयत होता है। समझ में आ रहा है? उस समय ये क्या होता है? आयत होता है। अब समझिए चौथा, आमने सामने की भुजा यदि बराबर हो, ए बी बराबर हो सी डी के और ए डी बराबर हो बी सी के, ए डी बराबर हो बी सी के, ए डी बराबर बी सी, ठीक है, तथा दोनों विकर्ण भी दोनों विकर्ण बराबर नहीं हो, यानी ए सी बराबर बी डी नहीं है, ए सी और बी डी आपस में बराबर नहीं है, सिर्फ चारों के चारों भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में इसको कहेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है आपका? समांतर चतुर्भुज है। क्लियर हो गया? आपको यही चार पूछता है, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। एक बार रिकैप कर लेते हैं, चारों के चारों भुजा यदि बराबर हो, दोनों विकर्ण भी बराबर हो तो आयत कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, चारों के चारों भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो तो समचतुर्भुज कहलाएगा, यदि आमने सामने की भुजा बराबर हो विकर्ण भी बराबर हो तो वह आपका आयत कहलाएगा, और यदि आमने सामने की भुजा बराबर हो विकर्ण बराबर नहीं हो तो वह आपका जो है समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। एक चीज और समझ लीजिएगा,
इसी में आपको कहेगा कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, चार गो का मान दिया हुआ रहेगा और कहेगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। बहुत आसान काम करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। जब आप किसी चतुर्भुज को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है, उसके बीच से विकर्ण खींच कर देख लीजिए आप, ठीक है। उस समय आपको क्या करना है, एक विकर्ण खींच लेना है। जैसे मान लीजिए कि ये चतुर्भुज है आपका, ठीक है, ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये चतुर्भुज है। आप जैसे ही यहां से एक विकर्ण खींचेंगे तो जो चतुर्भुज है वो दो त्रिभुज में बट जाएगा, नहीं बट जाएगा, और जब दो त्रिभुज में बट जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकाल के, इसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दीजिए तो सीधे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सीधे आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से, आपको विशेष जो है इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि अब चतुर्भुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो तो फार्मूला आपको बता दिए हैं और उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वहां से जाकर उसको देख लीजिए। और आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।